इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना धीरे धीरे आने लगे। इस वीडियो में मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख देता हूँ, जिससे आप आसानी से इसे पढ़ सकें, और इसकी वर्ड मीनिंग भी लिख देता हूँ, जिससे आप स्टोरी को समझ सकें। ऐसा करने से आपको इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाएगी। इस वीडियो में बहुत से ऐसे वर्ड्स आने वाले हैं जो आप डेली बोलने में यूज़ करते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस मिलेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो सकती है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। देयर वॉज अ पुअर मैन, देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। यहां पर देयर की कोई खास मीनिंग नहीं होगी। वॉज का मतलब होता है था, अ का मतलब एक, पुअर का मतलब गरीब, मैन का मतलब आदमी। एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एंजॉय, ही विश्ड, उसने इच्छा जताई। ही का मतलब होगा उसने, ऐसे ही का मतलब होता है वह, लेकिन यहां पर हम उसकी मीनिंग उसने से लेंगे। उसने इच्छा जताई। विश का मतलब क्या है? इच्छा करना, इच्छा करना, विश्ड है तो इच्छा की। टू एंजॉय, आनंद लेने की, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। किसका आनंद लेने की इच्छा जताई? स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, ब्रेड के मधुर सुगंध का, ठीक है। स्वीट का मतलब यहां पर होगा मधुर, जो सूंघने में अच्छा लगे। स्मेल का मतलब होता है सुगंध, या फिर जिसको हम खुशबू कहते हैं। ब्रेड का मतलब ब्रेड। बट, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन। ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था एनी मनी, कोई पैसा, कोई पैसा। मनी का मतलब होता है पैसा। सो इस तरह, या फिर इसलिए, इस लिए ही वुड स्टैंड, इसलिए वो खड़ा हो जाता। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना। आउट साइड द बेकरी एवरी डे, बेकरी के बाहर रोज। आउटसाइड का मतलब है बाहर, बेकरी का मतलब जहां पर ब्रेड बनाई जाती है, एवरी डे का मतलब रोज। वह रोज बेकरी के बाहर खड़ा हो जाता था। एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, ब्रेड के सिकाई की अच्छी सुगंध का आनंद लेने के लिए। नाइस स्मेल का मतलब है अच्छी सुगंध, अच्छी सुगंध या फिर खुशबू। बेकिंग ब्रेड, ब्रेड के सिकाई का। द बेकर वॉज वेरी एंग्री, ब्रेड बनाने वाला बहुत गुस्सा होता था। वॉज वेरी एंग्री का मतलब है बहुत गुस्सा होता था। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा,
वेरी का मतलब बहुत, विथ द पुअर मैन, गरीब आदमी से, विथ का मतलब यहां पर होगा से, पुअर मैन गरीब आदमी, ही फेल्ट दैट, उसे लगता था, ही का मतलब है उसे, ये किसके लिए है, बेकर के लिए, फेल्ट दैट लगता था कि, दैट का मतलब है कि, फेल्ट फील से बना है, फील का मतलब होता है महसूस करना या फिर लगना, एनीवन कोई भी, एनीवन का मतलब है कोई भी, हु जो, हु का मतलब है जो, स्मेल्ट सुगंध लेता है हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स, उसके स्वादिष्ट उत्पादों का, हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स का मतलब है उसके स्वादिष्ट उत्पादों का, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, जो चीज बनाई जाती है, या फिर हम उसे कह सकते हैं सामान, शुड पे, उसे अदा करना चाहिए या फिर देना चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, पे का मतलब यहां हम कहेंगे देना, फॉर द स्मेल, उस खुशबू के लिए, जो भी वहां पर खड़ा होकर के उसके उत्पादों का सुगंध लेगा उसे उसका पैसा देना चाहिए, ऐसा उस बेकर का मानना था, सो इस तरह ही टूक द पुअर मैन, इस तरह वो उस गरीब आदमी को ले गया, टूक का मतलब है ले गया, टू कोर्ट, अदालत में, कोर्ट का मतलब होगा अदालत, द जज हर्ड, जज ने सुना, हर्ड का मतलब है सुना, द बेकर्स कंप्लेंट, पेशेंटली, बेकर की शिकायत को धैर्यपूर्वक, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, पेशेंटली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक या फिर बहुत ही धैर्य से, देन फिर ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, देन का मतलब है फिर, ही उसने, आज का मतलब है पूछा, द पुअर मैन, उस गरीब आदमी से, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, डू यू हैव का मतलब है क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है एनी मनी, कोई पैसा, द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स, गरीब आदमी ने अपने जेब खंगाले, यहां पर सर्च का मतलब क्या है, ढूंढा या फिर खंगाले, हम यहां पर इसे कहेंगे खंगाला, पॉकेट्स का मतलब होता है जेब, एंड और प्रोड्यूस्ड, और सामने कर दिए, प्रोड्यूस का मतलब यहां पर होगा सामने करना, टू स्मॉल कॉइन्स, दो छोटे सिक्के, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, स्मॉल का मतलब छोटे,
दिस इज ऑल द मनी आई हैव, यही इतना पैसा मेरे पास है। दिस इज ऑल, यही सब कुछ या फिर यही इतना मनी पैसा आई हैव मेरे पास है। ही सेड, उसने कहा, सेड का मतलब है कहा, टू द जज, जज से, न्यायाधीश से, जज का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, द जज टूक द मनी, जज ने पैसे लिए, टू का मतलब होगा यहां पर लिए, फ्रॉम द पुअर मैन, गरीब आदमी से, फ्रॉम का मतलब होगा यहां पर से, द बेकर वॉज डिलाइटेड, बेकर खुश हो गया, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, खुश होना, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड है तो मुस्कुराया, एंड और ईगरली और बेसब्री से, ईगरली का मतलब है बेसब्री से, हेल्ड आउट हिज हैंड, अपने हाथ फैला दिए, हेल्ड आउट का मतलब है फैला दिए, फैला दिए, हिज हैंड अपने हाथ को, टू टेक द मनी पैसे लेने के लिए, फ्रॉम द जज, जज से, बट लेकिन, द जज डिड नॉट गिव, लेकिन जज ने नहीं दिए, डिड नॉट गिव का मतलब है नहीं दिए, नहीं दिए, मनी पैसा, टू द बेकर, उस बेकर को, ही ओनली जिंगल्ड, सिर्फ उन्होंने खनखनाया, ओनली का मतलब है सिर्फ, जिंगल्ड का मतलब होता है खनखनाना या फिर बजाना, हम यहां पर इसे कहेंगे बजाना, द कॉइन टुगेदर, सिक्कों को एक साथ, उन्होंने सिर्फ सिक्कों को एक साथ बजाया, टुगेदर का मतलब होता है साथ में या फिर एक साथ, ही देन रिटर्न्ड, फिर उन्होंने वापस कर दिया, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, वापस करना, देम उन्हें यानी सिक्कों को, टू द पुअर मैन, उस गरीब आदमी को, सेइंग ये कहते हुए, सेइंग का मतलब है कहते हुए, कहते हुए, क्या कहते हुए, पनिशमेंट, सजा, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है सजा या फिर दंड, शुड फिट द क्राइम, उतनी ही होनी चाहिए जितना कि अपराध, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, इसका मतलब होगा कि सजा उतनी होनी चाहिए जितना कि अपराध है, क्राइम का मतलब होता है अपराध, फिट का मतलब यहां पर होगा उतना ही, द प्राइस फॉर द स्मेल, सुगंध की कीमत, प्राइस का मतलब है यहां पर कीमत, स्मेल का मतलब सुगंध, ऑफ
द ब्रेड ब्रेड की शुड बी होना चाहिए, शुड बी का मतलब है होना चाहिए। द साउंड ऑफ द मनी पैसे की आवाज के बराबर, साउंड का मतलब है आवाज या फिर खनखनाहट हम कह सकते हैं, ऑफ द मनी पैसे के। जज ने कहा कि ब्रेड की सुगंध की कीमत पैसे की खनखनाहट ही होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी ट्रांसलेशन की, रीडिंग की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।